नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामने की प्लेन पट्टी बनाएंगे और जो है बालिड वाली जो है पॉकेट बनाएंगे, कट पॉकेट, और उसमें धारी मिला के आपको बताएंगे किस तरीके से धारी मिला के आप बना सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पॉकेट लगी ही नहीं है, बट वो कट पॉकेट बहुत ही बेहतरीन लगती है देखने में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल सा, सबसे पहले सामने की पट्टी यहाँ पर हम चिपका लेते हैं। तो ये हमने सामने की पट्टी ले ली है और इसको हमको चिपका लेना है। तो धारी के हिसाब से हम चलेंगे बिल्कुल। उसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे। जितनी चौड़ी ये पट्टी है उतना ही हमको फोल्ड करना है, यानी कि ये जो सफ़ेद वाइट पट्टी है वो दिखना नहीं चाहिए। तो अब हम इसकी क्रीज तोड़ लेते हैं। इससे क्या होगा, पॉकेट हमारी बिल्कुल ही सीधी लगेगी। तो ऊपर से हम 8.5 पे लगाएंगे। ये किनारी सीधी रहना चाहिए, ये किनारी सीधी रहेगी तो पॉकेट आपकी इधर साइड पूरी सीधी रहेगी। ओके, तो ये पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, इसमें आप पेस्टिंग भी डाल सकते हैं और ये सामने की पट्टी ये वाली भी डाल सकते हैं। तो हमको कड़क थोड़ी चाहिए तो यहाँ पर जो है बालिट डालेंगे। तो जो बालिड है वो हम यहाँ पर रखेंगे 3 सूत की। बाकी ये फुचरे हम छांट देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कपड़े लिए हैं, एक नीचे का पल्ला एक ऊपर का पल्ला। हम पॉकेट बनाने के बाद इसको छांट देंगे, जितनी भी चाहिए हमको पॉकेट उतनी ही रखेंगे, बाकी की निकाल देंगे। तो इसको अब हम चिपकाते हैं। इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए, यहां पर जैसे कि 3 सूत की है बालिड यहां पर की, तो उतनी ही हमको इसको काट लेना है 3 सूत की सीधी। इससे क्या होगा कि बीच में जितनी बालिड है उतनी ही हमकी हमारी सिलाई लगेगी। तो जितनी चौड़ी ये बालेट है उतना ही चौड़ा ये कपड़ा काट लिया है। ओके, ये देखिए, बढ़ती नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम मशीन पे चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो जैसे कि ऊपर से 8.5 और इधर से 2.25 पे निशान लगा लेते हैं और पॉकेट हम बनाएंगे अपनी 4.25 इंच की। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी बालिड, उसके बाद ऊपर का एक कपड़ा लगाएंगे। तो बालिड इस तरीके से लगाएंगे, देखिए आधा निशान, ये जो बीच में निशान है इससे आधा ऊपर रखेंगे आधा नीचे, और ये धारी हमको बिल्कुल भी मिला देना है। जब हम सिलाई लगाएं तो धारी मिला लें। तो ये निशान हो गया एक, एक ये हो गया। थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएं धारी मिलाते हुए।
इसको सिलाई को लगाने के बाद एक बार आपको देख लेना है धारी मिली है कि नहीं मिली। तो देखिए हमारी मिल गई हैं बिल्कुल, और जितनी ये वैलिड है उतना तो हमने इसको काट ही लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम इसको ऊपर वाली को भी धारी में लगा के इसको इस तरीके से रखेंगे। और एक बार चाहें तो आप दोबारा से भी निशान लगा लें। तो देखिए 3 सूत, तो यहाँ पर भी 3 सूत की सिलाई लगेगी, वही इधर साइड में। अगर आपको लुप्पी लगाना हो तो यहाँ पर चाक खोल दें, और ना लगाना हो तो पूरी सिलाई लगा दें। एक बार इधर साइड में आपको चेक कर लेना है दोनों सिलाइयाँ बराबर लगी या नहीं। देखिए ये नीचे वाली जो है सिलाई ये कम है, ऊपर वाली थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको बराबर करते हैं। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये सिलाई लगी, इसे थोड़ा सा पीछे हटा के और इसकी जड़ में हमको कट कर देना है। ऐसे ही इधर साइड में इसको पलटना है। तो देखिए इसको इस तरीके से रखना है और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद सिलाई लगा देंगे अंदर से। उसके बाद इसको हमको पलट देना है। इसको पलटते हैं इस तरीके से और यहाँ पर इस पल्ले को, नीचे वाले पल्ले को खींचेंगे, और ये देखिए तो ये पॉकेट आ गई हमारी। यहाँ पर हम टांकी लगा देंगे। दूसरी साइड में भी टांकी लगा देंगे, दूसरी साइड में भी टांकी लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी बनके रेडी हो गई। अब यहाँ पर ऊपर से हम टांकी लगा देंगे। एक ही होगा, इधर साइड में भी लगा देना है।
अब चाहें तो आप ऊपर से भी ऐसे सिलाई लगा दें, बस उसकी कोई ज़रूरत नहीं है चाहें। और अभी इस पे प्रेस लगेगी, और अब देखिए हमको इसको मुंह को तैयार करना है। तो यहाँ से हम पाकेट हमारी कितनी रहती है 5.5 इंच, तो 6 इंच का ये सिलाई लगेगी, मतलब 5.5 सिलाई लगेगी, और इधर से हमको इसको लगा देना है। बाकी इसको कपड़े को काट देना है। और इसमें आप ओवरलॉक कर सकते हैं, इसमें अभी हम ओवरलॉक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए आप इसको बना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी तरीके से आप धारी मिला के इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इधर साइड में ओवरलॉक कर दी है। ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें।